शाह बगदाद दी की ये निशानी जिथे ऊंचिया लम्बिया चीला ए दिल ता मेरा पुरजे। नमस्कार, कालका की आवाज देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सचिन बराड और आज आपको फिर पुनः एक बार ऐतिहासिक विरासत के नए एपिसोड में लेकर आया हूँ, जहाँ हम पहुंचे हैं गांव लेही के अंदर। और जो मेरे बैक साइड में आप जो ये दरगाह देख रहे हैं, आज हम इस दरगाह के बारे में जानते हैं कि इसका क्या है इतिहास, और चलते हैं फिर हम आगे की ओर। कर दे मीरा मीरा मेरा पीर ग्यारवी वाला जी लौंदा पार जो डुबदे बेड़ान। ये दोस्तों, फिर हम लोग जानकारी लेते हैं कि यहाँ के गद्दी के जो मालिक हैं उनके पिताजी से आज हम लोग मुलाकात कर रहे हैं और जानते हैं इनके बारे में कि यहाँ पर क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले तो आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम हो जी, नमस्कार और जय साईयां की हो। तो अपना थोड़ा सा छोटा सा परिचय हमारे देख रहे दर्शकों को बताइए। जय पीरां दी, जय मस्तां दी, जय साईयां दी। ये साई जी जो इस गद्दी पर विराजमान है, 11वीं वाली सरकार का जो लेही दरबार में है, तो साईं जी के पिताजी हों। तो हम भी 2016 से यहाँ सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ हर तरह की मन्नतें पूरी होती हैं। जो लोग सच्चे मन से इस दरगाह पे मत्था टेकने के लिए आते हैं तो ज़रूर उनकी सेवाएं मन्नतें पूरी होती हैं। तो साईं जी के आदेश के अनुसार इस दरगाह पर कोई पैसा नहीं चलाया जाता। बिना पैसे से जो मन्नत करेगा, जो दिल से मांगेगा, वो उसको ज़रूर मिलती है। और हम तो 7-8 साल से देख ही रहे हैं कि जिसकी जो जो भी मन्नतें हैं, चाहे वो किसी प्रकार की हैं, कि 11वीं वाली सरकार की दुआ से हर मन्नत पूरी होती है, मन्नत पूरी होती है। हम ये जान सकते हैं कि कब आपको ऐसा अनुभव हुआ कि यह 11वीं वाली सरकार आपके घर में है, और कैसे वो शुरुआत कैसे हुई, और उस व्याख्यान में थोड़ा देख रहे हमारे दर्शकों को बताएं कि जो शुरुआत कहाँ से हुई और आज ये कौन सी पीढ़ी आपके यहाँ पर। आज से 5 पीढ़ियों पहले बताया जाता है कोई हमारे परिवार में से इसकी सेवा करता था, तो हमें तो इसके बारे में पहले पता नहीं था। बाबा जी जब छोटी 2री क्लास में पढ़ते थे तो उस टाइम कुछ ऐसे लक्षण थे जो ये अपने व्यासा जी महाराज के हैं, व्यासपाल बाबा जी, उनके गुणगान किया करते थे या किसी भी धार्मिक स्थान पर बहुत मन लगाकर जाया करते थे, तो हमें कुछ लगता था शायद धार्मिक प्रवृत्ति के हों। लेकिन जब ये पढ़ते पढ़ते 6ठी कक्षा में पहुँचे तो उस दौरान हम बहुत परेशान हुए। इनको फोन आया करती थी, तो सवेरे से लेकर शाम तक फोन में रहते थे। उसके लिए निवारण के लिए हमने बहुत कोशिश की, जगह जगह जो यहाँ के धार्मिक स्थल हैं हमारे आसपास के, हम सब जगह गए, लेकिन हमें कोई वो नहीं मिला, समाधान नहीं निकला इसका। लेकिन उसके बाद एक हमारे पड़ोस में सुखो मस्जिद दरगाह है लाला वाले पीर की, उसके पुजारी के पास गए तो उन्होंने कहा भी मैं इसके बारे में बता तो नहीं सकता, चलो कुछ जैसा हो मेरे पास तो मैं करूँगा। तो उन्होंने उस दरबार में जाकर जब हम मन्नत करने मांगने गए तो उन्होंने बता दिया आपके घर के पीछे 2 जुड़वा आम है, उनके बीच में मेरा स्थान है और वो स्थान बढ़वाओ तो मैं आपको जैसा भी होगा वो करूँगा। तो उसके बाद हमने वो स्थान बनवा दिया, लेकिन वो पौंड फिर भी जारी रही, कोई समाधान नहीं निकला। हमने फिर सोचा भी शायद यहाँ कोई ऐसी दिक्कत है या एरिया के लोगों से किसी प्रकार से, तो हमने साईं जी को कसौली में पढ़ने के लिए भेज दिया, वहाँ भी वो परेशान हुए। फिर उसके बाद छुट्टी के दौरान ये घर आए हुए थे तो हम किसी और साईं के पास गए, तो उन्होंने बताया कि आपको दर दर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं, आपके घर में खुद ही परमात्मा
प्रकट हुए हैं, आप अपने घर में ही उसी दरबार में कुछ सेवा कीजिए और ये सब कुछ आपको मिलेगा। उसके बाद इनकी जो पौंग थी वो धीरे धीरे शांत होती गई और ये साक्षात्कार अपने दर्शन देने लगे, प्रवचन करने लगे, चौकी लगाने लगे और 2016 से इनको गद्दी प्राप्त हुई। उस गद्दी निश्चिन्न होने के बाद यहाँ चौकी लगती है। बड़ी दूर दूर से जैसे पटियाला है, संगरूर है, लुधियाना है, इधर रोपड़ बंगा साहब, हिमाचल से रोहड़ू तक की संगत यहाँ, यूपी से सहारनपुर तक की संगत यहाँ आती है, तो सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और वो दरबार से दिल से जुड़े हुए हैं। हर वीरवार जेठी वीरवार को, जो दूर वाली संगत हर जेठी वीरवार को, बाबा जी जिनने जैसे उनको बोला भी है जेठी वीरवार को आए करो, दूर है तो, लेकिन कुछ संगत ऐसी भी जो हर वीरवार को आती है, तो तब से ये परंपरा चली आ रही है। आखिर एक लास्ट क्वेश्चन हम और पूछना चाहेंगे कि अब तक जब से गद्दी पर विराजमान हुए हैं साईं जी, और ऐसा कौन सा मोमेंट है कि जो आपको अभी तक आपके दिल के करीब है, जो आप हमारे देख रहे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे कि जैसा कि जो मान्यता जिससे बढ़ती ही जा रही है, उस विषय में आप थोड़ी सी जानकारी हमारे देख रहे दर्शकों को बताइए। देखो ऐसे तो बहुत से चमत्कार हैं, लेकिन मेरे पर्सनल साथ जो चमत्कार हुआ है वो दो ऐसे चमत्कार हैं। एक बार साईं जी अभी गद्दी पर बैठे ही थे और स्कूल में पढ़ते थे, शनिवार का दिन था तो हमने बोला भी हर वीरवार को आप लंगर के लिए बोलते हैं और जो लंगर है वो वीरवार को स्कूल में ही बंटवाया जाता है, तो रंग 10-11 बज जाते हैं, साफ सफाई नहीं होती, दूसरे दिन में स्कूल लगाना होता है, कि थोड़ी सी जमीन का प्रबंध कर दीजिए। तो स्कूल के पीछे ही एक खाली खेत था, वो है तो दूर के थे, तो साईं जी ने बोला भी कल इसकी रजिस्ट्री करवा लो। मैंने कहा वो तो दूर से हैं, कल तो संडे है, वैसे मिलेंगे भी ना, हम उनको जानते हैं कहाँ रहते हैं। लेकिन अचानक ही वो 3 बजे दूसरे दिन आए और उन्होंने खुद ही इसको बेचने की बात की और मंडे को उस जमीन की रजिस्ट्री भी होगी। ये सबसे बड़ा चमत्कार मेरे लिए है। दूसरा हमारा स्कूल है, उस स्कूल की मान्यता मिडिल तक थी। लॉकडाउन से पहले हमने इस स्कूल को, हमारा एक लेक्चरर है उसने बोला था कि साईं जी हमारे मान्यता के लिए थोड़ा सा गाइड करो, तो साईं जी ने बोला कि आप अप्लाई करो, आपको मान्यता मिल जाएगी, कहीं इसमें रुकावट नहीं आएगी। तो लॉकडाउन से पहले हमने मान्यता के लिए अप्लाई कर दिया। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के दौरान ही 19 नवंबर 2020 को हमें प्लस टू की डायरेक्ट मान्यता मिल गई, तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा चमत्कार है। और भी ऐसे बहुत बड़े चमत्कार हैं जो पब्लिक को भी लगते हैं, तो मैं तो अपना पर्सनल चमत्कार बताऊँगा जो मुझे लगा है, और कि पब्लिक इसीलिए दरबार से जुड़ी, अगर उनको कुछ मिलता है वो हर बार दरगाह पर मत्था नवाजने आते हैं। जय पीरा के, जय मस्ता जी। तो दोस्तों ये थे जो यहाँ के साईं जी हैं, उनके पिताजी, जिन्होंने अपने अनुभव के बारे में हम लोगों को बताया और यहाँ की विशेषताओं के बारे में बताया। अब हम जानना चाहेंगे यहाँ के सेवादार से भी कि यहाँ पर और उन्होंने क्या क्या चमत्कार देखे और वो क्या व्याख्यान अपनी वाणी से करते हैं। तो दोस्तों अब हमारे बीच में यहाँ के जो सेवादार हैं, मुख्य सेवादार भी मैं कह सकता हूँ, जिनकी बदौलत आज हम लोग इस इतिहास के बारे में जानकारी ले पा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको हमारी ओर से जय साईं की, जय पीरन की। तो मैं चाहूँगा कि आप मुख्य सेवादार भी हैं यहाँ के, तो यहाँ की जो एक ऐसी विशेषताएं बताएं जो अभी तक किसी को भी नहीं पता, क्योंकि ज्यादा लगाव आपका खुद साईं जी के साथ है, तो उस विषय में आप चंद पंक्तियों में बताएं। इस दरगाह की विशेषताएं तो बहुत है, पर जो मैं मेरे खुद के साथ हुई है मैं वही बता पाऊँगा। मेरे खुद के बेटे बच्चे हुआ है यहीं इसी दरगाह से हुआ है। एक्चुअली क्या है कि पीजीआई तक से मुझे जवाब दे दिया था, मेरे वाइफ के दो बेटियां हैं, दोनों प्रेशन हुई थी, तीसरा बेटा था जो इस दरगाह से हुआ है, तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तो बाबा जी ने मेरे को एक हफ्ते का टाइम बोला था कि साहिल तू एक हफ्ते के टाइम पे, मैं हम खुद उसके लिए अबॉर्शन के लिए तैयार हो गया था कि नहीं उसकी प्रॉब्लम है तो नहीं रखना। तो बाबा जी ने मुझसे एक हफ्ते का टाइम मांगा था और मैं कह रहा हूँ कि उन दो ऑपरेशनों का जो बेटी हुई उनका ऑपरेशन का भी पता लगा था, इस ऑपरेशन का भी नहीं पता लगा था। और आज मेरे 6 साल का बेटा है, और उसके बाद मैंने यहाँ अनेकों चमत्कार होते हुए देखे। पर ये कहूँगा कि साईं जी का काम हमें रास्ता दिखाना है, उस पर चलना नहीं चलना वो हमारी संगत के ऊपर खुद है। साईं जी ने हमें एक जरिया देना है, उस पर चलना हमने खुद है, इसलिए विश्वास और संयम बनाए रखना पड़ेगा। जय पिताजी, जय मस्ता जी, जय साईं। तो दोस्तों जैसा कि हमारे यहाँ के
विशेष भगत जी ने बताया कि हमें विश्वास रखकर चलना चाहिए। यदि हम जिस भी चीज को मान रहे हैं वहां पर विश्वास हो तो वाक्य में आपका वह लिया हुआ संकल्प कामयाब होता है। अब हम आपको यहाँ के गद्दी हसीन जो कि मालिक हैं यहाँ गद्दी के, उनसे मुलाकात कराएंगे। साईं जी से चाहेंगे कि वह हमें यहाँ के बारे में बताएं। और आप सब देख रहे सभी दर्शकों को मैं चाहूंगा कि नीचे कमेंट और लाइक करना ना भूलिए। तो जय साइयां की, जय पीना की। और अब हम गद्दी के जो मालिक हैं, यहाँ की ग्यारहवीं सरकार के मालिक हैं, हम लोग उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं यहाँ के बारे में उनके मुख से कुछ विशेष वाक्य। तो साईं जी, सबसे पहले आपको जय साईं की, जय पीरा की, जय पीरा। तो साईं जी, आप यहाँ की जो विशेषता है वो बात हमें बताएं कि क्या खासियत है यहाँ के दरबार में, और आप क्या कहना चाहेंगे हमारे देख रहे दर्शकों को। यहाँ दरबार बने ना कम से कम 12-13 साल हो गए। तो सबसे बड़ी विशेषता एक तो यहाँ की है कि ना तो यहाँ कोई चढ़ावा, ना पैसा, किसी भी प्रकार की कोई चीज़ चढ़ानी है वो नहीं चढ़ती। सिर्फ यहाँ तीन चीज़ें चढ़ती हैं जरूर, पहला विश्वास, दूसरी फरियाद, तीसरा सबर। कहना जो भी संगत इन तीन चीज़ों ले कर यहाँ आ रही है, बैठ रही है, चौंकियाँ भर रहे हैं, मेले के अंदर आ रहे हैं, वो कभी आज तक खाली नहीं गए साड़ी नज़र के अंदर, साढ़े तो पहले भी साढ़े तो बाद भी आज तक कभी खाली नहीं गए। तो जैसा कि साईं जी ने बताया कि यहाँ पे दरबार पे कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में आता है तो उसकी सभी मंगल कामनाएं पूर्ण होती हैं, परंतु अपने मन में एक विश्वास और एक धीरज लेकर आता है, एक मन से सभी मंगल कामनाएं उनकी पूर्ण होती हैं। और जैसा कि साईं जी ने यह भी बताया कि इस दरबार में एक लोता ऐसा दरबार है लेही के अंदर, जहां पर एक रुपया भी चढ़ावे के रूप में नहीं चढ़ता, यानी कि लाखों हजारों चढ़ावे हर एक जगह चढ़ते हैं, परंतु इस दरबार में आज तक किसी भी भगत के द्वारा एक रुपया भी चढ़ावे के रूप में कभी भी नहीं लिया जाता। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ के दरबार की। और मैं जानना चाहूंगा साईं जी, आप हमारे देख रहे दर्शकों को कुछ और अपनी बाणी से, मुख बाणी से क्या कहना चाहेंगे। साडा कहना सिर्फ यही है भी जरूरी नहीं हो रही, कहीं और भी कहीं भी जा रहे हैं, चाहे कोई देवी है, कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई गुरुद्वारा, बस जाओ वहाँ, जरूर एक मन एक रख के जाओ, विश्वास बना के जाओ, क्योंकि रब एक चीज़ ऐसी है जिड़ी देंदी है, ना तो उसका कोई भेद है, ना किसी प्रकार का उसका कोई रूप है। कहना इन्ना कर्म कि बिना किसी चढ़ावे दे हर एक की मनोकामना पूरी हो रही है। कहना कर्म सरकार का, वो कर्म मालिक का जिसने इन्नी बंदगी करी है, ताज उनके सदके असी उरे बैठे है। दूसरा, कोई भी संगत आ रही है तो एक सबसे ज़्यादा किसी भी दरबार के नाल जरूरी जुड़े हुए हैं, तो उनके वास्ते सबसे जरूरी सिर्फ तीन चीज़ें, पहला विश्वास, दूसरी फरियाद, तीसरा सबर। कहना जे रोटी भी खानी है तो भी सानू 6 महीने का सबर रखना जरूरी है। पहला बीजूंगे, फिर बढ़ूंगे, फिर उसनों सफाई करूँगे, फिर पिहाऊँगे, फिर खाऊँगे। कहना जे सबर नहीं है तो सानू कहीं भी चल जाओ, कहीं कुछ पूरा नहीं हो सकता। कहना जे सबर है तो हर एक चीज़ है, तो सानू कहीं किसी दरबार पर जाने की जरूरत भी नहीं है। रब साढ़े पास है, रब साढ़े किसी बाहर नहीं, रब साढ़े अंदर है। कहना जे पाने की दे रहा हो, एक विश्वास रखने की दे रहा है कि बंदा कद रखूँगा और कद पार जाओ। तो दूसरा, हर एक चीज़ भंडारा है, चाहे मेला है, हम जिस तरह 5वां सालाना मेला 23-24-25 तारीख न मना रहे हैं, तो इसका जो भी लगभग है वो सारा मालिक की कृपा से हो रहा है। वो किसी का कोई यहाँ डोनेशन नहीं है, किसी का किसी प्रकार का चढ़ावा नहीं है, वो मालिक ने ऐसा फैज बख्शा हुआ कि जिसके कारण हर एक चीज़ चल रही है, तो आने वाले वक्त के अंदर भी चलती रहनी है।
सिर्फ एक मेरी तरफ से जिन्नी भी संगत आती है तो उन्होंने एक बेनती है भी विश्वास फरियाद सबर जरूर रखो मालक सरकार देवी देवते जरूर थोड़ी मनोकामना पूरी करूंगे। एक बहुत ही अच्छा संदेश हमें दिया इन्होंने कि जब भी हम दरबार पर आए तो मन में एक विश्वास और एक सबर भरा घुट जरूर पिकराएंगे ताकि जिससे कि जो आपकी मंगल कामनाएं हैं समय जरूर लगता है पर आपकी सभी मंगल कामनाएं जरूर पूरी होती हैं। तो ये था हमारा लेही गांव के अंदर लेही दरगाह का विशेष एपिसोड जो कि हम आप सबके बीच में लेके आए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा तो कृपया लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा और यदि आपके पास कोई ऐसी विरासत की जो चीजें हैं जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कृपया हमारी मेल आईडी पे हमारे नीचे दिए गए नंबरों पे हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम उस गांव में जाकर उस जगह को आपके सामने जरूर लेकर आएगी। इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूं, बने रहिएगा हमारी कालका की आवाज के साथ। जय हिंद।